नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। राम जी से पूछे जनकपुर किनारी, बता दा बाबुआ व्याकुल मन से सिया पुकारे आपको सुबह शाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत, मैं आपके साथ दीदी शर्मा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इस बीच पूरे देश में उत्साह का माहौल है और चारों तरफ भजनों की जो धूम मची हुई है और भजन गायक जो कि काफी प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, तरह तरह के भजन सुनने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ भक्तों में उत्साह का माहौल है। इसी बीच हमारे साथ प्रसिद्ध भजन गायिका आर्य नंदिनी जी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। कैसे शुरुआत की आपने और आपने अभी कोई भजन लिखा है 22 जनवरी को लेके या फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेके? जी, मेरे काफी सारे भजन आए हुए हैं, तो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है पूरे देशवासियों में राम मंदिर की स्थापना को लेकर के, और मैं भी उतनी ही उत्साहित हूँ। और आज आप सभी के समक्ष बहुत ही प्यारे प्यारे भजन रखूंगी, आशा है आप सभी भक्तजनों को पसंद आएगा। जी, आप दो लाइनें गा सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, मैं शुरुआत करूंगी अपने बहुत ही पसंदीदा राम भजन से। और ये हमारे माताएं बहनें उत्तर प्रदेश बिहार की जितनी माताएं बहनें हैं वो बहुत गाती हैं इस भजन को, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो ससुराल था वो था मिथिलांचल में, तो ये मैथिली में ही भजन है और आप सभी के समक्ष रखूंगी। राम जी से पूछे जनकपुर किनारी, बता दा बाबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दा बाबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दा बाबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर किनारी, बता दा बाबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दा बाबुआ। हम तो से पूछी ले ए धनुषधारी, हम तो से पूछी ले ए धनुषधारी, एक भाई गौर काहे, एक भाई गौर काहे, एक काहे कारी, बता दा बाबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दा बाबुआ। बहुत बहुत खूब जी। आर्य नंदिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपने शुरुआत कैसे की भजनों में, कैसे आपने गाना शुरू किया? मैं अपने गाने लिखती भी हूँ, मैं कंपोज भी करती हूँ, और भजनों की मेरी शुरुआत, कहते हैं ना कि कोई भी सिंगर जब अपने गायकी की और मंच पर जाने की शुरुआत करता है तो वो कहीं ना कहीं जागरण भजन से शुरुआत करता है। तो मैं भी छोटी थी, मेरा नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड था, मेरे पापा को पता नहीं था स्टार्ट कैसे किया जाए, तो हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, वो मुझे उन्होंने मुझे जागरण के मंचों पर ले जाना शुरू किया। काफ़ी छोटी थी तब से मैंने भजनों की प्रस्तुति चालू की, मेरे एल्बम्स आने लगे, तो इस तरह से मैं कहूँगी कि मेरे भजनों की ओर जो सफ़र था उसकी शुरुआत थी। आपने इसकी कहीं से शिक्षा नहीं प्राप्त की, आपने घर में ही सीखा है? भजन तो मैं लाइट म्यूजिक सीखती थी, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मैंने बचपन से ही थोड़ा बहुत मैंने सीखना शुरू किया था, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट कॉलेज जब ज्वाइन किया तो मेरा क्योंकि डिग्री ही म्यूजिक में था तो मैंने तब प्रॉपर सीखना शुरू किया। और भजन तो मैं बचपन से, हमारे घर की माताएं बहनें गाती हैं, बड़े बूढ़े गाते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हो चुकी थी। आपने अभी तक कितने एल्बम्स और कितने भजन को लिख चुकी हैं और कितने भजन गा चुकी हैं? मैंने अभी जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड मेरे भजन हैं वो मेरे लिखे हुए नहीं हैं, बट फ्यूचर में मैं अपने भजन भी लिखूंगी, कंपोज करूंगी। मैंने अभी तक मुझे लगता है 400-500 भजन से ज़्यादा गा लिया है, आई थिंक इससे ज़्यादा होगा नंबर्स में, और काफ़ी सारे मेरे कृष्ण भजन, राम भजन, बजरंग बली के भजन, दुर्गा भजन, ये काफ़ी प्रख्यात है और काफी लोग सुनना पसंद करते हैं। मुझे लगता है हर 2-3 रिलीजियस चैनल्स पर सुबह सुबह मेरे भजन आते हैं, और बड़े बूढ़े जो भी लोग हैं वो सुनना इसे बहुत पसंद करते हैं। कोई भी आपका एक सुप्रसिद्ध भजन जो हमारे दर्शक को आप सुनाना चाहेंगे, गा दीजिए। जी जी जी, मैं 2 लाइन गाऊंगी, मेरा ही गाया हुआ राम भजन, जो कई बार सुबह आप टीवी खोलिएगा तो आपको सुनने को मिलेगा।
व्याकुल मन से आप पुकारे आपको सुबह शाम, व्याकुल मन से आप पुकारे आपको सुबह शाम, मैं नाराह निहारे आ जाओ मेरे राम, हो राम मेरे नैनाराह निहारे आ जाओ श्री राम। थैंक यू। बहुत बहुत खूब, आपकी आवाज है जो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दे रही है। और इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी आपसे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना, क्या आप अयोध्या जाएंगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं, हालांकि मुझे पता है वहां काफी भीड़ होने वाली है, बहुत मुश्किल होगा पहुंचना, बट मेरी पूरी कोशिश है। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि हम कितने पहले से ये सब चल रहा था कि मंदिर वहीं बनेगा और अब मंदिर वहीं बन रहा है, तो ये बहुत ही हम सभी सनातनियों के लिए एक उल्लास की बात है और हर्षोल्लास का माहौल तो हम देख ही रहे हैं आसपास। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ पहुंचूं। साथ ही साथ आप राम भजन के अलावा, कृष्ण भजन के अलावा, और माता की भेंटे भी गाती हैं? जी जी मैं माता की भेंटे भी गाती हूँ और कई हिंदी भोजपुरी फोक मैंने ट्रैक्स गाए हैं और काफ़ी सारे चैनल्स में पार्टिसिपेट किया है। एक मेरा रिलीजियस रियलिटी शो भी आया था भक्ति सम्राट नाम का, तो इस तरह से मेरी प्रस्तुतियाँ रही हैं भजनों में। और माता की भजन को लेकर के मैं अब्रॉड भी गई थी नवरात्रि में परफॉर्म करने, तो छोटे से मेरा ताल्लुकात रहा है। जी, आप माता के भजनों के लिए अब्रॉड में कहाँ गए थे? मैं थाईलैंड गई थी नवरात्रि के टाइम पे, आई वाज देयर फॉर 12 डेज और मैंने पूरे नवरात्र भर वहाँ परफॉर्म किया था, माँ दुर्गा की के भजन गाए थे, तो दैट इज वन ऑफ द मेमोरीज जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कब किया था और किस उम्र में किया था? यस श्योर, बहुत कम लोगों को पता है मैंने पहली बार परफॉर्म किया था जब मैं शायद 6 या 7 साल की थी, और तब मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ था। मेरे स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने मुझे मेरा गाना सुना था, मुझे सपोर्ट किया, वो मुझे स्टेज पे लेके गए और मेरा पहला गाया हुआ गाना था मेरी आइडल लता जी का, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम गाया था। और उस टाइम एक छोटे बच्चे के लिए वो मोमेंट था कि मेरा जो ड्रीम था शुरू से, मैं अपने आप को ये नहीं समझती थी कि मैं सिंगर बनूंगी, मुझे लगता था मैं तो सिंगर हूँ ही, तो वो ड्रीम मैंने जिया था अपना, सब भीड़ के सामने, इतने ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का। जी, आपने जो पहली बार गाया था तो आपको उस समय क्या एहसास रहा होगा कि आपने सोचा था कि आप सिंगर के तौर पे अपना करियर बनाएंगी या फिर कुछ और बनने का सोचा था आपने? ऑनेस्टली जब हम बच्चे होते हैं ना तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ना इससे पुश करते थे, मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये डाउट वाली जो चीज होती है वो कहीं भी नहीं थी दूर दूर तक। मुझे बस पता था कि आई एम मेंट फॉर दिस थिंग और मैं तो सिंगर हूँ ही, बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो ये चीज को लेकर के मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी कि अरे मुझे तो ऐसे ऐसे करना है, और आई वॉज लिविंग दैट ड्रीम। एक के बाद एक मेरे रियालिटी शोज आते गए, तो कहीं ना कहीं उसने कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया एक छोटे बच्चे के लिए। जैसा कि देखा जाता है कि आमतौर पे माता पिता कहते हैं बच्चों को कि पढ़ाई पे ध्यान दो, खेल कूद में, गाने डांस में क्या रखा है, तो आपके साथ भी सब चीजें हुई है? आपको भी कहा गया कि नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो? ऑनेस्टली मुझे कहा जाता था कि थोड़ी देर बैठ के रियाज कर लो, क्योंकि शुरुआत से ही मैं पढ़ने में ब्राइट थी और मेरे घर में पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, पढ़ने लिखने वाले लोग रहे हैं, तो मुझे हमेशा पेरेंट्स पुश करते थे कि तुम रियाज कर लो, क्योंकि उनको पता था कि ये तो पढ़ाई में अपना काम कर लेगी, इसको कोई पुश करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे साथ ये भी होता था कि जब मैं पूरे साल शोज करके, शूट्स करके आती थी, तो मेरे क्लास के बच्चे बोलते थे कि प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को अपना मार्क्स मत बताना, बिकॉज वो पूरे साल पढ़ते थे, सिर्फ पढ़ते थे, और मैं सब शूट और शोज सब करके, पढ़ाई करके उनसे ज़्यादा मार्क्स लेके आती थी, तो ये एक फनी किस्सा है मेरे बचपन का। तो नहीं, मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ाई करना। ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल रहता होगा कि पढ़ाई के साथ साथ रियाज करना, कहाँ से समय निकाल पाती थी आप? जी बिल्कुल मुश्किल रहता है वो, ये बात सिर्फ वो बच्चे या वो समझ सकते हैं जो इस चीज से गुजरे हैं,
मुझे बहुत ही कम एज में डबल द टास्क मेरे लिए हो गया था, क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता था, उतना सिलेबस कवर भी करना होता था. उसके साथ साथ मेरे पापा हमेशा ना मुझे, जैसे मान लीजिए मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हूँ, तो मुझे थर्ड स्टैंडर्ड के साथ साथ फोर्थ का भी मैथमेटिक्स खत्म करवा देते थे. उसके साथ मैं शोज करती थी, ये चीजें करती थी. तो कई बार ऐसा होता था कि 2-3 बजे रात को मैं घर आ रही हूँ, थोड़ी देर सोई, सुबह उठ के अपना टास्क कंप्लीट किया और फिर स्कूल चली गई. तो नींद में मुझे थोड़ी कटौती करनी पड़ती थी, क्योंकि स्कूल टाइम तो आपको अब जब हो तो जाना ही है. और 3-3 बजे रात तक बड़े क्लासेस में जा करके पढ़ना, फिर सुबह उठ के स्कूल भागो. और ऐसे मेरा स्पोर्ट्स पीरियड है, म्यूजिक एंजॉय करते थे, मैं पढ़ाई करती थी, अपना काम कंप्लीट करती थी. तो डेफिनेटली मुश्किलें होती थी, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े. मेरी मदर मुझे लेकर के ट्रैवल करती थी, मेरे पापा ट्रैवल करते थे. तो बाकी मेरे दोनों सिबलिंग्स छोटे छोटे थे, उनको घर पे रहना होता था अकेले. तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल रहा है, भरा रहा है, बट सबका सपोर्ट मिला है तभी मैं यहाँ हूँ आप सभी के समक्ष. स्कूल टाइम में जैसे कि आपके आसपास के बच्चों को, क्लास के बच्चों को पता होता होगा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो वो कभी कभी आपसे कहते भी होंगे कि ब्रेक में या फिर कभी कि एक दो लाइनें सुना दो, तो ऐसा भी हुआ है कभी आपके साथ? बिल्कुल. मैं स्कूल में ही थी तो मेरा पहला रियलिटी शो आ गया था. उस शो ने मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया. तो एक पूरे एरिया में होता है ना, हम स्मॉल टाउन में लोग अचानक से पहचान जाते हैं, एक स्मॉल स्टारडम मुझे मिल गया था छोटे ही में. और तब मुझे सब रोक रोक करके सड़कों पर, स्कूल में सीनियर्स रोक के, बेटा प्लीज गाना सुनाना, बच्चा प्लीज गाना सुनाना. तो मैं एकदम थक जाती थी कि सब पकड़ पकड़ के मुझे बोलते थे, अरे ये तो वही बच्ची है ना जो नीले बदला में या इस फलाना शो में आई हुई है. तो एक अच्छा फीलिंग भी आता था, और प्लस हाँ डेफिनेटली सब लोग रोक रोक के पकड़ पकड़ के मुझसे गाना सुनते थे. गाने के साथ साथ आपको ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बजाना भी अच्छा लगता है? क्योंकि मैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मेरे दिल के बेहद करीब है, और मैं बंदिशें गाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, रियाज करती हूँ, तो मैं हारमोनियम बजाना पसंद करती हूँ. बट मैं उसको ऐसे इन पब्लिक नहीं प्ले करती, मैं अपने रियाज के लिए यूज करती हूँ. सो दैट इज समथिंग फॉर माई सेल्फ. आपने हारमोनियम बजाना कहीं से सीखा है या फिर इसकी कहीं से शिक्षा ली है या खुद से ही? हनी, मेरे पापा हारमोनियम ले आए थे मैं जब छोटी थी तो. और मेरे एक टीचर थे स्कूल में, तबला टीचर पूरी सर, वो उन्होंने मुझे सारेगामा पधनिसा और कुछ अलंकार बजाना सिखा दिया था. उसके बाद मैंने खुद से ही कर करके, खोज खोज के कि ये सुर यहाँ बजेगा, ऐसे बजाना सीख लिया. जैसा कि आपने बताया कि आपके माता पिता तो आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन परिवार के जो अन्य फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या कभी ऐसे बोलते थे कि नहीं लड़की है, क्यों उनको गाना वगैरह सिखा रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, या फिर कुछ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? जी बिल्कुल हुआ है. मेरे कुछ दूर के रिलेटिव्स थे जिनको नहीं अच्छा लगता था मेरा म्यूजिक करना, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि अरे ये बच्ची है और ये बहुत ब्राइट है पढ़ने में, तुम लोग इसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो. बट मेरे पापा हमेशा लगे रहे, सब लोग एक तरफ, मेरे पापा एक तरफ, वो कहते थे कि मुझे पता है मैंने लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगाया. तो ये चीज़ मुझे उनकी हमेशा से याद है कि कोई पेरेंट इतना भी फर्म हो सकता है अपने डिसीजन को लेकर के कि मुझे अपने बच्चे को मंजिल तक पहुंचाना है. और सब किसी की बात को ये करते हुए, क्योंकि पहले की जो विचारधारा थी, लोग बोलते थे छोटी सी बच्ची को आप स्टेज पर लेके जा रहे हो, रात रात भर बेचारी जग रही है, परफॉर्म करके वापस घर आ रही है, इसको सोने को नहीं मिल रहा, पढ़ाई हैम्पर हो रहा है. तो डेफिनेटली इट टेक्स अ टोल, बट उसमें भी आपको पेशेंटली आप चीज़ें लेकर के चल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. अब आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, तो आपको जो भी देखते होंगे, जो आपको पहले कहते थे कि नहीं आप क्यों अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे हो, वो भी आप इसको क्यों सिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अब क्या कहते हैं वो लोग? अब वही लोग जगह जगह जाके बोलते हैं, अरे हम आर्या को बचपन में बहुत सपोर्ट करते थे. तो कई बार मेरे सामने भी बोलते, याद नहीं रहता है कि मुझे चीजें याद है, बट मैं हंस देती हूँ, मुस्कुरा देती हूँ, मुझे अंदर में याद आता है कि अरे ये तो इसी आदमी का स्टेटमेंट था. बट ठीक है, समय के साथ बहुत सारी चीजें, लोग भी बदलते हैं, लोगों के स्टेटमेंट भी चेंज होते हैं, तो कोई बात नहीं, that's fine. इसी के साथ मैं फिर से आपसे सुनना चाहूंगी कुछ दो लाइनें, फिर कि आप हमारे दर्शकों को भी सुना दें. जी 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 बिल्कुल. मैं एक बहुत प्यारा भजन है, नगरी हो अयोध्या सी, तो मैं वो गाना चाहूंगी, दो लाइन. नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो,
चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, जो आपने इतनी अपनी सुरीली आवाज से सभी के कानों में जो रस खोला है, ये भूल पाना शायद हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आपने जो हमारे लिए अनमोल समय निकाला है अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम नए प्रोग्राम के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए एन भारत। धन्यवाद।